इस बात से तो आप भली भांति वाकिफ ही होंगे कि टाइप 2 डायबिटीज से ग्रस्त लोगों का ब्लड शुगर का लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, जिससे कंट्रोल करना बहुत ही मुश्किल का काम होता है। इस स्थिति में पीड़ित व्यक्ति को जरूरत से ज़्यादा प्यास लगने लगती है, बार बार पेशाब का लगना और लगातार भूख लगना जैसी समस्याएं होती हैं। वैसे आपकी जानकारी के लिए ये भी बता दें कि ये बीमारी किसी को भी हो सकती है, लेकिन इसे बच्चों में ज़्यादा देखा जाता है। टाइप 2 डायबिटीज में शरीर इंसुलिन का सही तरीके से इस्तेमाल नहीं कर पाता है। साथ ही डायबिटीज रहित लोगों की तुलना में टाइप 2 डायबिटीज वाले लोगों में रेस्ट्रिक्टिव फेफड़े की बीमारी यानी कि RLD विकसित होने की जोखिम ज़्यादा होता है। RLD की पहचान सांस फूलने से की जा सकती है। जर्मनी के हेडलबर्ग हॉस्पिटल विश्वविद्यालय के स्टीफन कॉफ ने कहा, तेजी से सांस फूलना RLD और फेफड़ों की विसंगतियाँ टाइप 2 डायबिटीज से जुड़ी है। जानवरों पर किए गए पहले के निष्कर्ष में भी रेस्ट्रिक्टिव फेफड़े की बीमारी और डायबिटीज के बीच संबंध का पता चला था। इक्योरेन हेल्डेक्स से रिजवान खान की रिपोर्ट।